हेलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग बिल्कुल 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 ठीक होंगे और आने वाले नए साल के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे होंगे और बहुत बहुत हैप्पी होंगे तो जी अभी भी हम लोग अम्मी के घर पे हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर था इसीलिए इस वीडियो पे भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कौन सी जगह है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये है सफारी पार्क जो कि ये भी हमारे घर के मतलब मेरे मायके के करीब है तो इलाइज़ा को आज हम लोग दिखाने के लिए आए थे डायनो पार्क तो इसके बारे में बहुत सुना था तो अब हम लोग घर के मतलब अपने मायके की मैं करीब आई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इलाइज़ा को यहाँ का भी विजिट करवाया जाए तो खैर इलाइज़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इलाइजा बहुत बहुत ज़्यादा डायनासोरस को मतलब पसंद करता है उनकी वीडियोस देखता है उनकी मूवीज़ देखता है लाइजों को बहुत पसंद है डायनासोर्स तो हमने कहा चलो अब इतने करीब आए हैं तो क्यों ना डायनो सफारी पार्क भी विज़िट किया जाए और आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत खूबसूरत जगह है बहुत ज़्यादा तो आप लोगों ने इसको ज़रूर विज़िट करना है और साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत थीम पार्क है जो कि बच्चे आ, मतलब बच्चे भी बड़े हम ख़ुद इतना इन्जॉय कर रहे थे मतलब इस तरह के उन्होंने डायनासोरस बनाए हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो आ, फेक हैं या नकली हैं बहुत मतलब उनकी हरकतें मतलब उनका उनकी मूवमेंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है और उनकी आवाज़ इतनी हॉरर आवाज़ थी उनकी इतनी खौफनाक है कि हर डायनासोरस के पास सेंसर्स सेंसर लगे हुए थे कि उसके पास से जब आप लोग मतलब क्रॉस करते हैं उसके सेंसर को तो जो भी डायनासोर तो वो आवाज़ निकालते हैं अपने अपने खैर हमें तो मालूम नहीं लेकिन इलायजा हमें ज़रूर बता रहा था ये 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 डाइनासॉर्स है इसके बारे में मुझे ज़रूर पता है कि ये टी रैक्स इलाजा बोल रहा था कि बहुत बड़ा होता है और इसको टी रैक्स डाइनासॉर्स कहते हैं तो खैर इलाजा को पता है कि वो बहुत इन चीज़ों को देखता है हमें नहीं मालूम हमें बस ये पता है कि डायनासोर डायनासोर होते हैं उनके नाम क्या है कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है और कौन क्या है ये हमें नहीं पता ये बस हमें इलाजा बता रहा था और ये वाला डायनासोर भी देखिए इतना बड़ा है तो इलाचा कह रहा था मम्मा मुझे इसको टच करना है तो मैंने कहा आप डाडा की गोदी में जाओ इसको टच कर लो बच्चों के लिए बड़ों के लिए ये थीम पार्क बहुत अच्छा है ये मतलब काफ़ी टाइम पहले <coughs> मतलब ये मतलब तैयार हुआ है लेकिन हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते हैं अब अम्मी के घर गए थे क्रिसमस का दिन था सेकेंड डे हम लोग गए और यहाँ हम लोग तकरीबन ट्वेंटी एट को गए थे तो घर वालों के साथ भी इंजॉय किया बहन भाइयों के साथ अम्मी के घर में तो खूब अपने बचपन की यादें पूरी की जहाँ हम लोग जवान हुए फिर वहाँ से हमारी शादी हुई तो खैर बड़े अच्छे दिन गुजरे तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी मूवमेंट करते हैं यहाँ पे तकरीबन इन्होंने मतलब हर चीज़ इन्होंने डायनासोरस के लिहाज से ही बनाई थी यहाँ पे बैठने की जो मतलब चेयर्स वगैरह थी यहाँ पे मतलब जो मतलब जो मतलब बुज़ुर्ग आते हैं वो लोग थोड़ा वे रेस्ट कर सकें क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया था जिसको पूरा क्रॉस करके हम लोग मतलब लाइन लाइन से जितने भी डायनासॉर्स उन्होंने बनाए थे यहाँ देखिए यहाँ एक एग था जिसमें एक इलायजा और कुड़िया बैठ के मतलब अंदर जाके अपनी पिक्चर्स बना रहे थे सब बच्चे बनवा रहे थे और इलायचा ने खूब इन्जॉय किया इलायचा के साथ साथ मैंने हस्बैंड ने और गुड़िया ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि नायला की तबीयत तो ठीक नहीं थी वो आई नहीं और डैनी को भी नहीं आना था और दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे थे इसलिए इतने सारे बच्चों को एक साथ ले आते तो ये लोग तो सब कुछ इन्होंने मतलब उल्टा पुलटा कर देना था और किसी ने इधर भाग जाना था किसी ने उधर भाग जाना था इसलिए सिर्फ हम लोग इलायजा को ही लेके आए थे और इलायचा को ही इन्जॉय किया क्योंकि वो बहुत दिलचस्पी रखता है इन चीज़ों में मतलब डाइनासोरस में आ, तो इसलिए इसको हम लोग लाए इन्जॉय करवाया तो तकरीबन तक आज जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन क्रिसमस का चौथा दिन था शायद जब हम लोगों ने आ, सफारी आ, पार्क जाने का प्लान किया तो खैर बहुत अच्छा पार्क लगा मुझे बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया इसके अलावा भी हम लोग थोड़ा बहुत घूमे थे लेकिन मेन जो मकसद था हमारा जाने का वो डाइनो सफारी पार्क ही देखना था हमें तो खैर आप लोग भी अपने बच्चों को क्योंकि अभी तक तो बच्चों की छुट्टियां ही हैं फर्स्ट तक तो आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएं एंजॉय करवाएं ये राइड थी इसके अलावा तो डायनासोरस के मतलब जहाँ पे उन्होंने डायनासोरस बनाए हुए थे वहाँ अंदर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था गार्ड्स वगैरह थे लेकिन ये एक राइड थी जिसमें सारे बच्चे और इतना मतलब यहाँ पर रश था कि बहुत मुश्किल से नंबर आता था बहुत ज़्यादा हमने यहाँ वेट किया ताकि हमारा भी नंबर आए तो इलायजा ने इसके खूब इंजॉय किया इस पर बैठ के ये डाइनासॉर्स को पता नहीं वो लोग किस तरीके से चला रहे थे हमें खुद समझ नहीं आया तो थोड़ा बहुत हम लोग बाकी भी घूमे क्योंकि हम लोग बचपन में यहाँ बहुत आते थे जब हम सब छोटे थे और मेरे भतीजे भतीजिया भी छोटे थे तो हम लोग यहाँ रोब मतलब बहुत आते थे इसके और अब काफ़ी चेंज हो गया मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था इतने टाइम के बाद तभी लाइटा बहुत छोटा था तकरीबन वन ईयर और शायद थर्टीन मंथ्स का फोर्टी मंथ्स का मैं तब आई थी तो अब तो यहाँ बोध बंगला बन गया और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और हमें अंदर सफारी में भी जाना था लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं होती वो सिर्फ हम लोग दिन दिन में ही विज़िट कर सकते हैं तो जब हम जब तक हम लोग पहुँचे थे डायनो सफारी पार्क देख रहे थे तब तक बिल्कुल अंधेरा हो चुका था इसलिए हमने सफारी की के अंदर हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पे शायद और एनिमल्स होते हैं और कुछ एलिफेंट और बहुत कुछ होता है जब हम छोटे थे तब तो हम जाते थे तो यहाँ के हम लोगों ने फ्राइज़ ट्राई किए बहुत एक्साइटेड हो के हमने लिए थे आ, कि शायद इतना रश है तो शायद बहुत मज़े के फ़्राइज़ है लेकिन ऑनेस्टली आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ के फ्राइज़ बिल्कुल बकवास थे इतने बकवास कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना शायद बहुत गंदा ऑयल यूज़ किया था कि जिसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी और हस्बैंड को तो शायद वॉमिट भी आ गई थी तो इसीलिए ये रेकमेंड नहीं करूँगी और बच्चे कैंडी कॉटन कैंडी देख ले तो उन्होंने तो ज़रूर लेना होता है फिर एलायजा ने कॉटन कैंडी ली हमने कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं क्योंकि ये अंदर छोटे छोटे स्टॉल होते हैं इतना कुछ अच्छा नहीं होता क्योंकि घर में वैसे भी अम्मी और सिस्टर थी भाई थे वो लोग खाना रेडी कर रहे थे तो खैर हम लोग इतना नहीं खाया और ये थी शायद बोटिंग लेकिन रात का टाइम था हम लोग को तो बहुत डर लग रहा था तो हमने कोई बोटिंग वोटिंग नहीं क्योंकि इतनी बड़ी झीलती है और बस लोग इंजॉय कर रहे थे और इसको ये देखें ये है ज़िप लाइन यहाँ बड़े छोटे सब जिप लाइन को भी इंजॉय कर रहे थे लेकिन हम लोग को इन चीज़ों से बहुत डर लगता है खैर हमने कुछ भी नहीं किया था ना ही हमने बोटिंग की और ना ही क्योंकि मैं शायद कर भी लेती लेकिन हस्बैंड और गुड़िया तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि नहीं नहीं रात का टाइम है और झील पता नहीं कैसी है तो नहीं दिन का टाइम होता तो हम ज़रूर करते उसके बाद खैर इलाज ने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया स्लाइडिंग ली और जंपिंग कैसे इंजॉय किया और उसके बाद हमें बहुत मज़ा आया इंजॉय इलाजा को खुश करके अपने बच्चों को खुश करके वैसे ही सबको बहुत दिली खुशी होती है तो आप लोगों को मैं ज़रूर बोलूँगी आप लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर जाए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ इंजॉय करने के लिए आए हुए थे क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और बच्चों को खुश करना तो माँ बाप का फ़र्ज़ी है तो आप लोग ज़रूर आइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में